Hey guys, welcome to my channel. तो दोस्तों Realme X50 Pro के लिए Realme UI 3.0 का जो अर्ली एक्सेस की एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है। तो अगर आप भी दूसरे यूजर से पहले इसको इंस्टॉल करके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और अगर आप इस अपडेट को करते हैं तो आपको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। साथ ही बात करेंगे इसके स्टेबल अपडेट के बारे में कि जो इसका स्टेबल अपडेट है वो आपको कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइज ये सभी कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर परिवार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइज बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट वाले पेज पर जाना होगा। वहां पर आपको ऊपर राइट साइड में एक सेटिंग्स का आइकन दिखाई देगा, आपको उस आइकन पर क्लिक करना है तो एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको ट्रायल वर्जन लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको उस ट्रायल वर्जन पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको अर्ली एक्सेस लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे ही आप उस अर्ली एक्सेस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक एप्लीकेशन नोटिस ओपन होगा जिसमें नीचे आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको कुछ अपने डिटेल्स को फिल करना है जैसे कि ईमेल आईडी, और उसके बाद नीचे जो है टर्म्स एंड कंडीशंस का एक चेकबॉक्स दिया होगा उसको आपको टिक करके सिंपली उस फॉर्म को सबमिट करके डन कर देना है। जैसे ही आप ये प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो रियलमी के पास अंडर रिव्यू के लिए चली जाएगी। जब रियलमी उस रिव्यू को अप्रूव करेगा तभी आपको आपके फ़ोन में अपडेट मिल पाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव नहीं होती है तो फिर आपको इसके ओपन बीटा एप्लीकेशन के आने तक का वेट करना होगा या फिर इसके स्टेबल अपडेट के आने तक का वेट करना होगा। तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी प्रोसेस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस अपडेट को करना चाहते हैं तो आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप इस अपडेट को करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन में बैटरी जो है वो 60% से अबव होनी चाहिए, नहीं तो आपका अपडेट फेल हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपका फ़ोन जो है वो रूट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपके फ़ोन में कम से कम 10 GB का जो स्पेस है वो अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो आपका अपडेट जो है वो फेल हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशंस हैं खास करके थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, उनको आपको गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो एंड्रॉयड 12 के साथ कंपेटेबल ना हो तो वो आपको इसमें प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो इसके लिए आपको पहले ही इसको अपडेट कर लेना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी डेटा लॉस से बचने के लिए आपको अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप बना लेना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि ये एक बीटा अपडेट है तो इसमें जो आपका फ़ोन है वो अनप्रिडिक्टेबल इम्पैक्ट कर सकता है। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, जैसे कि बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो सकती है, ऐप क्रैश हो सकते हैं या फिर और भी बहुत सारे इशूज़ इसमें आपको देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि ये एक बीटा अपडेट है। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं तो ही आपको इस अपडेट को करना चाहिए, नहीं तो फिर आपको इसके स्टेबल अपडेट के आने तक का वेट करना चाहिए। तो अब अगर हम बात करें कि इसका स्टेबल अपडेट जो है वो कब तक आपको देखने के लिए मिलेगा, तो अभी ये जो है अर्ली एक्सेस की एप्लीकेशन है, इसके बाद ओपन बीटा की भी एप्लीकेशन ओपन होगी जिसमें कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम जो है वो लग सकता है। उसके बाद स्टेबल अपडेट के आने तक में अभी से अगर हम बात करें तो कम से कम आपको यहाँ से 3 से 4 महीने का टाइम इसमें लग सकता है। हालांकि ये डिपेंड करता है Realme पर कि कितनी जल्दी वो बग्स को फिक्स करके इसका स्टेबल वर्जन रिलीज़ करे, लेकिन जनरली इसमें 3 से लेकर 4 महीने तक का जो समय है वो लग ही जाता है। तो इतना समय आपको कम से कम इसके स्टेबल अपडेट को देखने में लग जाएगा और ज़्यादा भी लग सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करनी थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।